इस सेशन में हम लोग विश्व भूगोल के जो भी प्रश्नों को कवर करेंगे वो हमेशा ही देखने को मिलता है, हर परीक्षाओं में मिलते हैं। तो आज हम विश्व के भूगोल के सभी फैक्ट को कवर करने वाले हैं, वो भी टॉपिक वाइज। और ये बहुत ही अच्छा वीडियो है और बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चंस हैं। पहला है विशेष कथन, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है? इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज जो हैं ये भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया है। भूगोल के लिए जियोग्राफिका, जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? इराटोस्थनीज ने ही किया है जियोग्राफिका का अध्ययन या प्रयोग कह सकते हैं, जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया है। भूगोल भूतल का अध्ययन किसने कहा था? भूगोल जो है वो भूतल का अध्ययन है ये कहा था कांट ने। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान का नाम है एच एच बैरोज। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? थेल्स गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता है। क्षेत्रीय भूगोल यानी रीजनल ज्योग्राफी का पिता किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? कार्ल रिटर को कहा जाता है रीजनल ज्योग्राफी का पिता, फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। और कार्ल रिटर ही मानव भूगोल का संस्थापक हैं। मानव भूगोल के संस्थापक कौन हैं? कार्ल रिटर हैं। और क्षेत्रीय भूगोल के पिता कौन हैं? कार्ल रिटर हैं। तो ये विशेष कथन थे विश्व के भूगोल के बारे में। अगला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है सौर मंडल। अब सौर मंडल से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमेशा बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके इसमें कवर होने वाले हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? कैपलर ने प्रतिपादित किया ग्रहों की गति का नियम। आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम लगाइए, यानी बढ़ते बड़े से छोटे क्रम में। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रह हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा। सौर प्रणाली की खोज किसने की? कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है अर्धरात्रि के समय में सूर्य। कहाँ पे? नॉर्वे में। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को। और उपसौर किसको कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य की न्यूनतम दूरी को उपसौर और अधिकतम दूरी को अपसौर। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना मध्यरात्रि सूर्य कहलाता है। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? यह आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो सबसे ज़्यादा 71% होता है। और सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान है?
6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सबसे दूर वरुण है। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? 8.3। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? बुध सबसे निकट और सबसे दूर है वरुण। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 28 दिनों में पूरी करता है? तो बुध 28 दिनों में ही पूरी कर लेता है। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो ग्रह है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध। बुध जो है वो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। और सबसे तीव्र गति से सूर्य चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? बुध ही है। सबसे कम समय में सबसे तीव्र गति से। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो वीनस। शुक्र जो है वो पृथ्वी जितना ही बड़ा है। जितना बड़ा पृथ्वी है उतना ही बड़ा है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, जो कि लगभग लगभग पृथ्वी की तरह ही दिखता है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र को इवनिंग स्टार कहते हैं। शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? तो सूर्य और पृथ्वी के निकटतम शुक्र और बुध हैं। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है शुक्र। किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? शुक्र को ही इवनिंग स्टार भी और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, सुबह का तारा भी। और ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है सौंदर्य का देवता। तो सूर्य से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन हमेशा ही आपको देखने को मिल जाते हैं, शुक्र से रिलेटेड इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा विस्फोटी तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? एमंट सेन ने। एमंट सेन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की और उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने किया। पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? लघुवृक्ष ग्लोब से। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री प्रतिदिन 1 डिग्री। पृथ्वी के भ्रमण की गति होती है 27 किलोमीटर पर मिनट। किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? तो पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। नीला ग्रह। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होता है कब? 4 जुलाई को। दिन व रात होने का क्या कारण है? कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना दिन व रात होती है, जिसकी वजह से। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वो तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध से सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1 है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है कब तक? 12 घंटे तक लगातार दिखाई देता है। ये किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? ये बताया था, प्रतिपादित किया था कॉपरनिकस ने। आसमान का रंग कैसा होता है? काला होता है। पृथ्वी की परिधि है 40,075 किलोमीटर, ठीक है। और किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून को। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 22 दिसंबर को। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 महीने तक। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवती व्यास से कितना कम होता है? 3 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवती व्यास लगभग कितना होता है? 12,750 किलोमीटर। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी का उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घूर्णन। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है अपसौर के समय। ऋतुएँ होती हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल ने कहा कि पृथ्वी
गोल है, पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? मंगल। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। ये बात किसके बारे में है? मंगल के विषय में, कि मंगल जो है उसके दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति सौरमंडल में। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? बृहस्पति। ग्रहों में किसके चारों ओर वलय है? शनि के चारों ओर वलय है। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? बृहस्पति मिशन है से संबंधित नाम। पृथ्वी का द्रव्यमान है बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। आकाश का सबसे चमकदार तारा है सीरियस। सीरियस आकाश का सबसे चमकदार तारा है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76 वर्ष। पृथ्वी की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है अरुण। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी चंद्रमा पर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे स्थलमंडल से संबंधित मिलेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है स्थलमंडल, और ये छोटे छोटे टॉपिक्स में इसको बांटा गया है। मतलब जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो टॉपिक वाइज, और वो टॉपिक आपको मेंशन किया गया है। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर सीमा सियाल निफे, क्या क्रम होता है? पहले सियाल होता है, फिर सीमा होता है, उसके बाद निफे होता है। ये पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर है, सियाल सीमा निफे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वेस ने। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है निकल। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो कि ध्रुवों से मापी जाती है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है निकल। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो कि किससे? ध्रुवों से मापी जाती है। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी ध्रुवों से मापी जाती है। स्थलमंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी होती है स्थलमंडल। स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? 100 किलोमीटर। किस परत को बेरिंगफियर कहा जाता है? बेरिंगफियर कहा जाता है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं कितने पर? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है विश्व के महाद्वीप। विश्व में महाद्वीपों की कुल कितनी संख्या है? विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यूरोप महाद्वीप को जाना जाता है। किस महाद्वीप को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अंटार्कटिका को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और महाद्वीपों का द्वीप कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप है? द्वीपीय महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप को कहा जाता है। किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? उत्तर अमेरिका
नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप को अंधे महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को अंधे महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज प्रस्तुत करते हैं? यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस के अक्षर की तरह है? अंटार्कटिका महाद्वीप की संरचना है। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी की सर्वथा अभाव पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है सर्वथा का। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीपों में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीपों में। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एकांगागुआ। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट किलिमंजारो। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट विंसन मैसिव। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट कोसियुस्को। माउंट कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? यूरोप महाद्वीप मरुस्थल विहीन है। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? अंटार्कटिका में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है केप अगुलहास। केप अगुलहास विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? यूरोप में है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? यूरोप महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है। कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? पुत्राजाया। पुत्राजाया मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है। दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। दक्षिणी गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्पस। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका के ऊपर। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। महाद्वीप कैसे अलग हुए हैं? विवर्तनीय क्रिया से महाद्वीप अलग हुए हैं। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। दुनिया का नवीनतम देश है दक्षिण सूडान गणतंत्र। सन सिटी अवस्थित है कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का सही क्रम कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अर्जेंटीना भारत ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों से। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल की विभिन्न परतों का सही क्रम है गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय पटल पर। परतदार फिर ग्रेनाइट उसके बाद बेसाल्ट ग्रेनाइट परतदार ग्रेनाइट बेसाल्ट ग्रेनाइट। अगला टॉपिक है जो क्वेश्चन मिलेंगे वो अक्षांश व देशांतर रेखाएं व अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से मिलेगा। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश। कौन सा वृहत वृत्त ग्रेट सर्कल का उदाहरण है? भूमध्य रेखा वृहत वृत्त है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है?
ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवों की तरफ जाने पर क्या होता है? अक्षांश रेखा की व्यास घटता है। 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? विषुवत रेखा पर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180 है। देशांतरों की संख्या 360 है। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वो काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। वो अक्षांश रेखा जिस पर कि सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है उसको कहते हैं भूमध्य रेखा। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट का। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। प्रधान मध्याय रेखा किस स्थान से होकर के गुजरती है? ग्रीनविच से। ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? 0 डिग्री देशांतर। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितने का अंतर होगा? 1 घंटे का। यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर कितना होगा? 35 डिग्री होगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है? 180 डिग्री होकर के। ग्रीनविच किस देश में है? यूके में है। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होगा? क्या अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समयों में कितना अंतर होगा? 15 मिनट का। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है? 1884 में किया गया है। अब आइए प्रश्न देखेंगे हम लोग द्वीप से संबंधित। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? प्रशांत महासागर में सर्वाधिक द्वीप है। महासागरीय द्वीप नहीं है मालागासी। मालागासी महाद्वीप महासागरीय द्वीप नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? इंडोनेशिया द्वीप समूह। कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वो है बोर्नियो। बोर्नियो का अंग है कालीमंतान। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बोर्नियो। सेशल्स द्वीप कहाँ पे है? हिंद महासागर में है। किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है? आइसलैंड को। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? हवाई द्वीप को। किस द्वीप का प्राचीनतम नाम सैंडविच द्वीप है? हवाई द्वीप का प्राचीनतम नाम सैंडविच द्वीप है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? जावा पर। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होनशु में। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होनशु। जापान का सबसे छोटा द्वीप है शिकोकू। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। भारत का दक्षिणतम द्वीप है ग्रेट निकोबार। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? जावा। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? क्यूशु द्वीप पर। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। अब अगला जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित होगा। सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतीय क्षेत्रों में सदाबहार वन है। कहाँ पे विस्तृत अयनवर्तीय वन पाए जाते हैं? विस्तृत अयनवर्तीय वन पाए जाते हैं कांगो घाटी में। कौन विश्व का फेफड़ा के नाम से विख्यात है? विषुवतीय वर्षा वन विश्व का फेफड़ा के नाम से विख्यात है। विषुवत रेखीय वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहते हैं? लियाना कहते हैं। विषुवत रेखीय वनों को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? सेल्वास के नाम से। विषुवत रेखीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में है। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है पतझड़ वन।
प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिकतम विविधता मिलती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाया जाता है? साइबेरिया में। सपरूस फर तथा चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं टैगा वनों में। मलेशिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? सिंकोना वृक्ष से। भूमध्य सागरी वन का नाम नहीं है, बोरियल नहीं है। विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का फैलाव इसकी प्रतिशतता सर्वाधिक है। सिंकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? विषुवतीय वन में। किस वन को बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है? शंकुधारी वन को। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? टैगा के नाम से। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण क्षेत्र में। डेलबर्जिया जाति किससे संबंधित है? शीशम से संबंधित है डेलबर्जिया जाति। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो चट्टान से संबंधित अब आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। चट्टान से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन जाते हैं? पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं, आग्नेय चट्टान। आग्नेय शैल कहलाती है मौलिक शैल। निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? आग्नेय। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों से की जाती है? अधिवीतलीय या प्लूटोनिक। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबाकार आग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है? बैथोलीट के नाम से जाना जाता है। जानवरों वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? अवसादी चट्टान का। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान पे। पेट्रोलियम यानी खनिज तेल किस चट्टानों में पाया जाता है? प्राचीन संस्कृत चट्टानों में पाया जाता है पेट्रोलियम। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है क्वार्टजाइट में। चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन का कायांत्रित रूप है संगमरमर। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट का निर्माण होता है। एम्फीबोलाइट का निर्माण होता है बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? आग्नेय और तलछटी से होता है। अब कवर करेंगे भूकंप से संबंधित प्रश्नों को। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है भूकंप विज्ञान। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र कहा जाता है। भूकंप मूल वो स्थान होता है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो कि संबंधित होता है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु होती है अधिकेंद्र। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वो कहलाता है भूकंप अधिकेंद्र। भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं, कौन सी? एल तरंगें होता है। कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? दीर्घपृष्ठीय। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? भूकंप। विश्व के सर्वाधिक यानी लगभग 63% भूकंप किस पेटी में आते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। समभूकंप रेखा यानी आइसोसस्मल लाइन का आकार प्रायः कैसा होता है? अनियमित होता है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान देशों में। तरल पदार्थों से होकर नग्स गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? एस। भूकंप मापा जाता है रिएक्टर पैमाने में। भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी। इसके बाद अगले जो क्वेश्चन को हम कवर करेंगे वो ज्वालामुखी से संबंधित होगा। डाइक क्या है? डाइक ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है।
कालडेरा किससे संबंधित है? कालडेरा ज्वालामुखी से संबंधित है। वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अग्निवलय किसे कहा जाता है? प्रशांत परिमेखला को। लैकोलिथ संबंधित है ज्वालामुखी से। प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? अग्निश्रृंखला। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? सुसुप्त ज्वालामुखी। किससे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ज्वालामुखी को। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है? जागृत ज्वालामुखी में अक्सर क्या होता है? उद्गार होती रहती है। क्रेटर तथा कालडेरा स्थलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? ज्वालामुखी क्रिया से। कोटोपैक्सी कहा जाता है इक्वाडोर को। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है जापान में। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु। ज्वालाखंडाश्मि क्या होता है? पायरोक्लास्टिक्स, तप्त शैल के टुकड़े और लावा को कहा जाता है। पेले के बाल पेल्स हेयर का संबंध किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? हवाई तुल्य ज्वालामुखी से। क्रेटर जो कि ज्वालामुखी छिद्र है, क्रेटर मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? शंकु आकार का होता है। कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? ऑक्सीजन। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? मैग्मा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? इक्वेडोर में। स्ट्रैम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? जागृत। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया में। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? जापान का। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, यानी लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है? स्ट्रैम्बोली को। फॉसा मैग्ना है एक ज्वालामुखी। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? सिसली द्वीप पर। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली में। मोनालोआ उदाहरण है किसका? प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। अब इसके आगे जो क्वेश्चन कवर करेंगे वो पर्वत एवं मैदान से संबंधित होगा। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? 26% भाग पर। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉली ने। पर्वत निर्माणक प्रसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोबर ने। विश्व के विशाल वरित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। नवीनतम पर्वतमाला है यूराल। यूराल नवीनतम पर्वतमाला है। हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत। एंडिस पर्वत का उदाहरण है वलित पर्वत का। अवशिष्ट पर्वत यानी रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण नहीं है फ्यूजियामा। रॉकीज, एंडिस, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? ये वलित पर्वत हैं सारे। नेक्स्ट प्रश्न है माउंट एवरेस्ट किस देश में है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? एंडिस पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? 33% भाग पर। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार कहलाते हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। पोटवार पठार किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। लोयस पठार स्थित है कहाँ पे? लोयस पठार है चीन में। तिब्बत का पठार कहाँ पे स्थित है? तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत तथा क्यूनलून के मध्य स्थित है। लोयस का पठार है पवनकृत। किसे विश्व की छत कहा जाता है? पामीर को विश्व का छत कहा जाता है। इसके बाद हम मरुस्थल से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया में। नूबियन मरुभूमि कहाँ पर स्थित है? सूडान में। अल गजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? सूडान में। सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है? मैक्सिको में। पेटागोनिया
मरुभूमि किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना में। सेचूरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? पेरू में। तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? चीन में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल किस देश में है? बोत्सवाना में। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा के नाम से। महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? पश्चिमी भाग में। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 5वां भाग। थार मरुस्थल किस देश में है? भारत में है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है? अटाकामा। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? कालाहारी रेगिस्तान दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में है। अब नहरों से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि घन आबादी देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? कोलोन। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन है पनामा। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है स्वेज नहर। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? 1854 में। स्वेज नहर कब बनकर के तैयार हुई? 1869 में। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर है। सू नहर किसको जोड़ती है? सू नहर सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? कील। क्रा नहर किस देश में है? थाईलैंड में। पनामा जल डमरू मध्य की आर पार नहर खोदने का विचार रखा था हम्बोल्ट ने। स्वेज नहर के खुलते ही बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। कहाँ से? लंदन से चेन्नई। कौन सा देश प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंद्वी के निर्माण के लिए योजना बनाई थी? निकारागुआ ने बनाया था। इसके बाद आएंगी नदियाँ। नदियों से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है? राइन। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है वोल्गा नदी। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता को। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है? कांगो नदी। पराना तथा परागवे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है किसका? लापलाटा का। किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? नील नदी का। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? होंगहो को। कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है? लिम्पोपो। किस नदी को यूरोपीय नदी की जीवन रेखा कहा जाता है? राइन नदी को कहा जाता है। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है या पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? गंगा नदी को। किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? नाइजर नदी को। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है वोल्गा। लाल नदी किस देश में बहती है? वियतनाम में। एशिया की विशाल नदी मेकांग कहाँ पे बहती है? मलेशिया में। सीन नदी कहाँ बहती है? फ्रांस में बहती है सीन नदी। अब ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी छोटी छोटी कैप्चर हुई है, तो इसको बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा और जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ पे बहती है? ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। जॉर्डन नदी कहाँ पे गिरती है? जॉर्डन नदी मृत सागर में गिरती है। होंगहो नदी किस में गिरती है? होंगहो नदी पीला सागर में गिरती है। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकल करके काला सागर में गिरती है? डेन्यूब नदी गिरती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओब
नदी किस में गिरती है? ओम नदी आर्कटिक सागर में गिरती है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? होंगहो को। कैस्पियन सागर में कौन सा नदी गिरती है? गिरती है वेल्गा नदी। सर और आमू नदियाँ गिरती हैं अरल सागर में। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की तीन सबसे लंबी नदियाँ हैं, नील, अमेजन, मिसौरी, मिसिपिया। अब इसके बाद जो प्रश्न देखने को मिलेगा वो जलप्रपात से संबंधित मिलेगा, तो सारे फटाफट से जलप्रपात से संबंधित क्वेश्चन को कवर करेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजेल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? वेनेजुएला में। एंजेल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कोरोनी नदी पर। बायोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ज़ेरे में। स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कॉन्गो नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सेंट लॉरेंस में। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? जैम्बेजी नदी से संबंधित है। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? ईरी एवं ओंटेरियो से संबंधित है। नियाग्रा प्रपात है कहाँ पे? यूएसए में है। नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? यूएसए एवं कनाडा की सीमा पर स्थित है। इसके बाद आइए झील से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है सुपीरियर झील। कौन से विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? बैकाल झील। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है टीटिकाका। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टीटिकामा। कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित पांच झीलों में कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? मिशिगन। विक्टोरिया झील अवस्थित है पूर्वी अफ्रीका में। कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? विक्टोरिया झील। कैस्पियन सागर कहाँ पर स्थित है? रूस और ईरान के बीच में। अफ्रीकी महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? न्यासा झील। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील है विक्टोरिया। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। लिग्नोलॉजी कहते हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है मृत सागर। प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा झील क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वायुमंडल। वायुमंडल से संबंधित छोटे छोटे टॉपिक आएंगे और उस टॉपिक वाइज क्वेश्चन को बांटा गया है, जिससे कि रिवीजन करने में बहुत ही इजी रहेगा, आसानी से इसको रिवीजन किया जा सकता है। वायुमंडल की संरचना, तो वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है जलवाष्प। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन मिलता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? ऑर्गन है। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है पृथ्वी से विकिरण द्वारा। वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा का क्रम है ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ओजोन। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? 78% नाइट्रोजन है। पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल और उसके ऊपर आयन मंडल है। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? क्षोभ मंडल को। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे तप्त परत है क्योंकि ये पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मध्य सीमा। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? क्षोभ मंडल के कारण होते हैं। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? समताप मंडल में। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में।
बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है पराबैंगनी किरणों के अवशोषण करने में। समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? 1013.25 मिलीबार होता है, 25 मिलीबार। वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक होती है? तूफानी मौसम का। सामान्य वायु दाब पाया जाता है सागर तल पर। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? 7 है। विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? 5 डिग्री अक्षांश तक मिलता है। इसके बाद अब आप आइए पवन से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है? अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर बहती है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं व्यापारिक पवनें। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? सनातनी पवन। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं व्यापारिक पवनें। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? सनातनी पवन। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। उपोष्ण उच्च दाब से वे नियमित हवाएं जो कि गरजता 40, प्रचंड 50 तथा चीखता 60 ये उपनाम से जानी जाती है वो किस प्रकार की हवाएं हैं? पछुआ हवा। दहाड़ता 40 क्या है? ये दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा होती है। भयंकर 50 चलते हैं 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। मानसूनी हवाएं उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उपोष्ण आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? फौन कहा जाता है। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? चिनुक कहा जाता है। कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्पस के विमुख ढाल पर बहती है? फौन। पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो कि बहती है भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य। समुद्री समीर कहाँ बहती है? कब बहती है? दिन के समय में बहती है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। इसके बाद चक्रवात तथा प्रति चक्रवात से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होती है उत्पत्ति। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु कहलाता है। चक्रवात की आँख एक विशेषता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? चक्रवाती गतिविधि से। टी मापक टी स्केल पर किसका मापन किया जाता है? चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। फिलीपींस जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है। हरिकेन चलते हैं मिसिसिपी घाटी में। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? विली विली के नाम से जाना जाता है। टार्नेडो का मुख्य संबंध है उत्तरी अमेरिका से। प्रति चक्रवात की विशेषता है कि स्वच्छ आसमान होते हैं, आसमान स्वच्छ। उच्च दबाव वाली हवाएं जो कि केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती है? प्रति चक्रवात कहलाती है। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? केंद्र में अधिक होता है। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं। प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है गोलाकार। टॉर्नेडो है एक अति निम्न दाब केंद्र। डोलड्रम क्या है? डोलड्रम भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र है। इसके बाद हम जो क्वेश्चन कवर करेंगे वो मेघ से संबंधित होगा। किस मेघ को मोती की माता कहा जाता है? पक्षाभ मेघ को। कौन सा मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है? वर्षा स्थली। ओक्टास मापने का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? मेघशादक।
मेघशादन के लिए किया जाता है, सॉरी मेघाक्षादन की मात्रा का मापन करने के लिए किया जाता है ओक्टास का प्रयोग। नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? बादलों की दिशा एवं गति का। कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? पक्षा मेघ। रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं, निम्न आर्द्रता के कारण। किसी स्थान विशेष की वर्षा पर निर्भर करती है? पर्वतों की दिशा पर। भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? चक्रवातीय। पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर दृष्टि अधिक होती है, ये वर्षा किस प्रकार की विशेषता है? पर्वतकृत की। संसार की अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? पर्वतीय वर्षा के रूप में। किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में ही वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोहाइट कहा जाता है। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? संवहनीय वर्षा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? अटाकामा। नेक्स्ट चैप्टर है जलमंडल। जलमंडल से संबंधित जो छोटे छोटे पार्ट में टॉपिक बांटी गई है उससे संबंधित जो प्रश्न है उन सारे को हम कवर करेंगे। पहला टॉपिक है महासागर एवं सागर। क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? आर्कटिक महासागर को। किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? प्रशांत महासागर की। विश्व के चार सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? अटलांटिक महासागर। विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। रिंग ऑफ फायर यानी अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? अग्निवलय की उपस्थिति प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर में। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? टेथिस महासागर का। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर के गुजरता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर से। सार्गेसो सागर अवस्थित है उत्तर अटलांटिक महासागर में। तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य अवस्थित है। किस सागर की सीमाएं तीन महाद्वीपों को स्पर्श करती है? बेरिंग सागर की सीमाएं तीन महाद्वीपों को स्पर्श करती है। कौन सा सागर स्थलबद्ध है? अरल सागर। किस सागर का तट नहीं है? सार्गेसो सागर का तट नहीं है। तुर्की के उत्तर में है काला सागर। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है मेक्सिको की खाड़ी। कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? कील। विश्व में किस खाड़ी का तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? हटसन की खाड़ी। सार्गेसो सागर प्रख्यात है समुद्री शैवाल से भरा स्थिर जल हेतु। सबसे लवणीय सागर है मृत सागर। जॉर्डन और इसराइल के मध्य कौन सा सागर है? मृत सागर है। अगला टॉपिक है जिससे संबंधित क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे वो है महासागरीय जलधाराएं। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? अल नीनो जलधारा को। गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? ब्लैक स्ट्रीम ऑफ जापान। किस जलधारा को? क्यूरोशियो जलधारा। किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? हम्बोल्ट की जलधारा पेरू की धारा को। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती है? ध्रुवों की ओर। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है मैक्सिको की खाड़ी से। अल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? पेरू के तट पर। चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के
अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी जलधारा हम्बोल धारा कहलाती है। महासागर की जलधाराओं का एक असर ये होता है कि वे जल को साफ रखती है। लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ से एक दूसरे से मिलती है? उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वीय तट पर। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है बेंगुला जलधारा। कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? किनारे। शीत समुद्री धारा है हम्बोल धारा। बेंगुला धारा है ठंडी महासागरीय धारा। रेनेल जलधारा है किस मार्ग की जलधारा है? अटलांटिक महासागर की। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर की। ब्राज़ील की जलधारा है गर्म जलधारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा किस प्रकार की है? गर्म सागरीय धारा है। इसके बाद अगला टॉपिक है महासागरीय लवणता। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है मृत सागर में। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली लवण है सोडियम क्लोराइड। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? महासागरीय जल की लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य। समुद्री जल की औसत लवणता है 35% है औसत लवणता। महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है 35 डिग्री अक्षांश के निकट। सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है। लवणता की मात्रा सर्वोच्च है मृत सागर में। सागरीय लवणता का स्रोत है नदियाँ। अरब सागर के पानी का औसत खारापन है 35 PPT। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है स्थिर जल। काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने का कारण है नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? अटलांटिक महासागर की। उत्तर सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता का कारण है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। नेक्स्ट टॉपिक है जल संधियां। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? जिब्राल्टर। डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? बोरिंग जल संधि। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि। बोरिंग जल संधि किन दो स्थल भागों को अलग करती है? एशिया और उत्तर अमेरिका को। हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ईरान और ओमान को अलग करती है। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को कौन अलग करती है? टारस जल संधि। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? भारत एवं श्रीलंका को। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है एलिफेंटा पास। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? स्पेन एवं मोरक्को को। इंग्लिश चैनल स्थित है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। पाक स्ट्रेट किनके बीच स्थित है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच। किस जल डमरू मध्य में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? डोवर जल डमरू मध्य। अगला टॉपिक है प्रवाल भित्ति। प्रवाल क्या है? ये एक समुद्री जीव है। प्रवाल भित्ति है समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति। कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? उष्णकटिबंधीय महासागर। प्रवाल के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए 27% से 32%। प्रवाल भित्तियाँ मुख्य रूप से पाई जाती है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य। जो प्रवाल भित्ति समुद्री तट से कुछ दूर हटकर के बनी होती है वो कहलाती है अवरोधक प्रवाल भित्ति। किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े की नाल या फिर मुद्रिका के समान होती है? एटॉल का। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाला लैगून को क्या कहा जाता है? बोट चैनल। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? डार्विन ने किया है।
प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? डेली ने। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वीय तट पर। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? क्रमशः 1900 किलोमीटर लंबाई और व 160 किलोमीटर चौड़ाई। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वीय तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? अवरोधक प्रवाल भित्ति का। प्रवाल भित्तियाँ समुद्री प्रतिरूप है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की। नेक्स्ट टॉपिक है ज्वारभाटा। प्रगामी तरंग सिद्धांत की उत्पत्ति। प्रगामी तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ज्वारभाटा के। ज्वारभाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विलियम वेवेल ने। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वारभाटा आता है पृथ्वी पर? सूर्य और चंद्रमा का। असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो कि अमावस्या या पूर्णिमा को जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वृहत ज्वार कहते हैं। दैनिक ज्वारभाटा के मध्य समयांतर कितना होता है? 24 घंटे से 52 मिनट। अर्धदैनिक ज्वारभाटा प्रायः कितने समय बाद आता है? 12 घंटे 26 मिनट बाद। जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुँच करके सीधी अवस्था प्राप्त कर लेती है तो ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वार को क्या कहा जाता है? सर्वोच्च ज्वार। ज्वारों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल तथा चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पे आता है? फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारभाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? चंद्रमा का। नेक्स्ट चैप्टर है ऊर्जा संसाधन। विश्व में कुल ऊर्जा उत्पादन में योगदान के आधार पर ऊर्जा संसाधन का सब सही अवरोही क्रम क्या है? पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस व जल विद्युत। विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तलछटीय चट्टानों से। पेट्रोलियम के संचित भंडार की दृष्टि से देशों का सही अवरोही क्रम है। भंडार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में, फिर इराक में, उसके बाद कुवैत, फिर ईरान में। कौन सा देश एक वर्ष में सर्वाधिक मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन करता है? सऊदी अरब। कहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? सऊदी अरब में। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। मध्य पूर्व के खनिज तेलों में अग्रणी उत्पादक है सऊदी अरब। ओपेक देशों में खनिज तेल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? सऊदी अरब। गैर तेल निर्यातक देशों में खनिज तेल उत्पादन में अग्रणी देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद अगला टॉपिक अगला क्वेश्चन है खनिज तेल का प्रथम कुआं 1859 में किस देश में खोदा गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उपभोक्ता देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस एवं जल सामान्यतः एक साथ पाए जाते हैं। ऊपर से नीचे की ओर इसका सही क्रम होगा। सबसे पहले प्राकृतिक गैस, उसके बाद पेट्रोलियम, फिर जल है। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है कनाडा। थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पे पाया जाता है? थोरियम का भारत में पाया जाता है। किसको स्ट्रेटेजिक मिनरल्स कहा जाता है? स्ट्रेटेजिक मिनरल्स खनिज तेल को कहा जाता है। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान है। पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? जल विद्युत को। विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिक है? कांगो नदी की या फिर जायरे। विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है कांगो, कोलंबिया, यांगटिसी। कौन विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है कांगो, कोलंबिया, यांगटिसी। विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया गया था? इटली में। किस देश में जल विद्युत की
जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है स्विट्जरलैंड का। जल विद्युत उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त भौगोलिक दशाएं किस देश में उपलब्ध है? कांगो गणराज्य में। कोयला की सर्वोत्तम किस्म है? एंथ्रासाइट। विश्व में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला किस प्रकार का है? बिटुमिनस प्रकार का। सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है पिट कोयला। कोयला की कौन सी किस्म भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? लिग्नाइट। 1883 में विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना की गई? फ्रांस में। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। विश्वविख्यात डोनवास कोयला किस क्षेत्र में डोनवास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? यूक्रेन में। कुजबास कोयला किस क्षेत्र में? रूस में। नेक्स्ट चैप्टर है प्रमुख उद्योग। प्रमुख उद्योग से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया जाता है औद्योगिक स्थानीयकरण में। उद्योगों में स्थानीयकरण हेतु आइसोडोपेन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वेबर ने। उद्योगों के स्थानीयकरण का प्रतिरूप किसने प्रतिपादित किया था? वेबर ने। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? पिट्सबर्ग है। पिट्सबर्ग। विश्व के एक तिहाई से अधिक कच्चे इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है कहाँ से? चीन से। किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया? चीन ने। कौन सा प्रमुख कागज उत्पादक देश है? कनाडा। विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कनाडा। वर्तमान समय में जूट उद्योग की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसका है? भारत का। वर्तमान समय में जूट उद्योग का केंद्रीयकरण देखने को मिलता है भारत एवं बांग्लादेश में। विश्व का पहला जूट मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था? स्कॉटलैंड के डुंडी में। विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन कहाँ पर होता है? कनाडा में। वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? चीन का। किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? संघाई को। भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग कौन माना जाता है? सूती वस्त्र उद्योग। किस देश का सूती वस्त्र उद्योग पूर्ण रूप से आयातित कपास पर निर्भर है? जापान का। जापान का मैनचेस्टर कहलाता है ओसाका। विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। जहाज निर्माण की दृष्टि से कौन सा देश विश्व में प्रथम स्थान रखता है? जापान। वायुयान निर्माण में अग्रणी देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था? मलमल के लिए। ब्यूनस आयर्स किस लिए प्रसिद्ध है? डेयरी पदार्थ व मांस के लिए। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। अगला टॉपिक है खनिज। खनिज से संबंधित प्रश्नों को कवर किया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है जापान। कौन सा देश बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का आयात करता है? जापान। विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। यूक्रेन स्थित निकोपाल किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है जाम्बिया। संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक है अमेरिका। कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है? जाम्बिया है। विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुरली किस लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए। जोहान्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान होमस्टैक किस राज्य में स्थित है? दक्षिण डकोटा में। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है एंटवर्प। हीरा के उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है? अफ्रीका का। आभूषण में प्रयोग किए जाने वाले हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? दक्षिण अफ्रीका है। औद्योगिक हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ज़ाइर। कहाँ पे? कांगो में। दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? हीरा के लिए प्रसिद्ध है किम्बरले। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस पहाड़ी को पृथ्वी की सबसे धनी पहाड़ी कहा जाता है? बूटे पहाड़ी को। विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? मलेशिया। विश्व में कौन सा देश टीन का सर्वाधिक निर्यात करता है? मलेशिया। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन है? ज़ाइर। निकेल का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? कनाडा में।
विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? कनाडा। संसार में टाइटेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? रूस। किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? सीसा एवं जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु। किम्बरले प्रसिद्ध है हीरे के खनन के लिए। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयला के लिए। किस देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? कनाडा को। किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? कनाडा के पास। जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वो है नाइट्रेट। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वो है ब्राज़ील का पठार। कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? रूस हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट टॉपिक है कृषि। कृषि से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक। सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? डी विटलसी ने। विश्व के कृषि प्रदेशों का सर्वाधिक मान्य सीमांकन है डी विटलसी का। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? 11%। वॉन थ्यूनेन ने अपना कृषि अव्यवस्थित कृषि अवस्थिति सिद्धांत किस वर्ष दिया था? 1826 में दिया था। किसने? वॉन थ्यूनेन ने अपने कृषि अवस्थिति सिद्धांत में केंद्र के चारों ओर कितनी पेटियों की संख्या बताई है? 6। वॉन थ्यूनेन की कृषि अवस्थिति सिद्धांत किस प्रकार आधारित है? किस पर आधारित है? तुलनात्मक लाभ पर। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है चीन। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है अर्जेंटीना। गेहूं की कृषि का आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस। बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? बसंतकालीन गेहूं की खेती रूस और कनाडा में की जाती है। संसार में सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग किस फसल की कृषि में होता है? गेहूँ का। कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? चीन। विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? भारत में। किसे मक्का का जन्म स्थान माना जाता है? मध्य अमेरिका को। किस देश में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है? क्यूबा। मक्का उत्पादक देश का अवरोही क्रम है USA, चीन, ब्राज़ील, मैक्सिको। विश्व में मक्का की पेटी किस देशों में पाई जाती है? USA में। विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं टर्की एवं यूक्रेन। विश्व में सोयाबीन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादन देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना एवं चीन। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करता है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन है? भारत है। चाय के पौधे उगाने की डेपाग विधि विकसित हुई थी फिलीपींस में। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? ताइवान में। कहवा के उत्पादन के आधार पर देशों का सही अवरोही क्रम है कहवा के उत्पादन के मामले में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में, फिर कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया एवं आइवरी कोस्ट। मूचा कहवा कहाँ उगाई जाती है? यमन में। विश्व में कहवा के दो अग्रगण्य उत्पाद हैं ब्राज़ील तथा कोलंबिया। विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? साओ पालो। पेट्रोल कोलोन प्रथा जिसमें कहवा के पुराने बगानों को काट करके नए बगान लगाने में खर्च कम पड़ता है किस देश में प्रचलित है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कहवा का अधिक उत्पादन होने का प्रमुख कारण क्या है? टेरा रोसा मृदा। कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी पत्तन के नाम से जाना जाता है? सेंटोस। विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? मोचा कहवा। विश्व में कोको उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है कोको उत्पादक आइवरी कोस्ट, ब्राज़ील, घाना, नाइजीरिया। विश्व में लंबी रेसे की कपास के प्रमुख उत्पादक देश हैं USA एवं मिस्र। जूट उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, फिर भारत, फिर चीन।
जूट उत्पादन देशों में से सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन किस देश में होता है? बांग्लादेश में। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। सर्वाधिक रबड़ की खेती होती है अमेजन तथा ज़ेरे बेसिन में। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है थाईलैंड। विश्व में संश्लेषित या सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। विश्व में तंबाकू का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम है चीन सबसे ज़्यादा, फिर USA, उसके तीसरे नंबर पर भारत है, चौथा ब्राज़ील का नंबर है। उच्च कोटि की मादकता वाली सुगंध से परिपूर्ण ओरिएंटल किस्म की तंबाकू का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तुर्की में। विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन है? ग्वाटेमाला। विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? अफगानिस्तान में। विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पे पैदा होता है? रूस में। विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है इटली। किसको कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलो को। मूंगफली कहाँ की प्रमुख फसल है? जाम्बिया की। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। मूंगफली का मूल स्थान है ब्राज़ील। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश गेहूं और चावल दोनों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है चाय का। दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम है भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई है? थाईलैंड से। जूम है क्या? ये खेती का एक प्रकार है। थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तमराई के नाम से जाना जाता है। वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाले स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? रे। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है बागवानी कृषि से। विश्व में बागवानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ पे हुआ है? दक्षिण पूर्व एशिया में। झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? उत्तर पूर्व भारत में। विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? स्थानबद्ध कृषि का। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है कहाँ पे? जापान में प्रचलित है। इसके बाद अगला टॉपिक है मत्स्यन। मत्स्यन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक। व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। मछलियों का सबसे अधिक केंद्रीयकरण छिछले तटीय जल में पाया जाता है क्योंकि इन भागों में सहयोगी कारक है अत्यधिक प्लैंकटन। मत्स्य उद्योग की दृष्टि से कौन सा देश महत्वपूर्ण है? नॉर्वे। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र है ग्रैंड बैंक। प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ पे स्थित है? अटलांटिक महासागर में। विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ पे स्थित है? उत्तरी सागर में। विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। इसके बाद अगला चैप्टर है परिवहन। विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। विश्व की सबसे लंबी सड़क है पैन अमेरिकन महामार्ग। विश्व के किस भाग में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ है? ब्रिटेन में। विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया? उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में कोयला खानों और न्यू कैंसल के मध्य। एशिया के किस भाग में सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है? भारत में। संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश कौन सा है? USA है। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1825 में चली थी। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी किसके मध्य चली थी? स्टॉकन से डार्लिंगटन तक चली थी। विश्व में सड़क मार्ग की लंबाई की दृष्टि से प्रथम तीन देशों का अवरोही क्रम है USA, भारत, ब्राज़ील। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई है 9,332 किलोमीटर। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाती है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। स्वेज नहर जलमार्ग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? स्वेज नहर भूमध्य सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ती है।
संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है स्वेज नहर, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है स्वेज नहर। इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है जनसंख्या, अगला जो टॉपिक है वो है जनसंख्या। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश का अवरोही क्रम है, सर्वाधिक जनसंख्या है चीन में, दूसरे नंबर पे है भारत, तीसरे नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा नंबर है इंडोनेशिया का। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया। जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है? ओशनिया में। जनसंख्या का सर्वाधिक भारत कहाँ पाया जाता है? जनसंख्या का सर्वाधिक भारत एशिया में। भारत कहाँ है? एशिया में। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? अफ्रीका में पाई जाती है। एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 55%। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। संयुक्त राज्य संघ के अनुसार विश्व की जनसंख्या 6 अरब कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1999 को। विश्व के किस देश में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है? इंडोनेशिया में। जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं जनांकिकी। कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर क्या मिलता है? कृषि घनत्व मिलता है। किस देश की लगभग 97% जनसंख्या उसके लगभग 3% भूभाग पर निवास करती है? ऑस्ट्रेलिया के। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है जावा। किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनघनत्व है? भारत में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है एशिया। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती है? 25 वर्षों में। किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? बांग्लादेश में है। किस प्रजाति के सदस्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? मंगोलॉइड का। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? कान का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है सिंगापुर। अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डाल्टन ने। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? नोटेस्टीन ने। थॉम्पसन तथा नोटेस्टीन ने जनांकिकी संक्रमण की कितनी अवस्थाओं के होने का सुझाव दिया था? 3। जनांकिकी संक्रमण की कौन सी अवस्था जनसंख्या में विस्फोट वृद्धि की स्थिति पैदा करती है? द्वितीय अवस्था। भारत एवं चीन वर्तमान में जनांकिकीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तृतीय। किस विद्वान ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया? माल्थस ने। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है यूके, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान से। एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है बांग्लादेश में। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को है? स्वीडन को है। मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है UNDP के द्वारा। जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद कौन से दो देश आते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। दक्षिण एशियाई देशों में से किस देश का अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? भारत का। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है यूरोप का। कौन सा देश दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? पाकिस्तान। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में है 6। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वो है 2050। अगला टॉपिक है जनजातियाँ। जनजाति से संबंधित आपके बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे कवर होंगे जो हमेशा पूछे जाते हैं। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? जापान में। माओरी जनजाति का निवास किस क्षेत्र निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र न्यूजीलैंड में पाया जाता है। सेमांग जनजाति का निवास होता है मलेशिया में। न्यूजीलैंड का मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? माओरी के नाम से जाना जाता है। अफ्रीदीज जनजाति का निवास क्षेत्र है पाकिस्तान। एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है? ट्यूपिक। एस्किमो निवासी करते हैं निवासी हैं कहाँ के? कनाडा के। शिकार के लिए हारपून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? एस्किमो। एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय है आखेट व मत्स्ययन। बुशमैन का संबंध है कालाहारी मरुस्थल से। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? बुशमैन। खिरगिज एक घुमक्कड़ी जनजाति है मध्य एशिया की।
किस जनजाति का संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेश से नहीं है? खिरगिज का। मध्य एशिया के स्टेपे क्षेत्र में खिरगिज कालमुख तथा कजाक लोगों द्वारा बनाए गए पशुओं की खालों के अस्थायी तंबू को क्या कहा जाता है? यूर्त कहा जाता है। कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? सकाई। किस प्रदेश में पिग्मी निवासी पाए जाते हैं? विषुवतीय विषुवत रेखीय वन क्षेत्र में। श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? विद्या के नाम से। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? अफ्रीका में। यूर्त किस जनजाति का घर है? खिरगिज का। पिग्मी निवासी हैं अफ्रीका के। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? कांगो नदी घाटी में। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है प्राकृतिक प्रदेश। प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। विश्व का प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया था? हर्बर्टसन ने। हर्बर्टसन के प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन का आधार था जलवायु। विषुवतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्षीरकारक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सिनकोना के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है? विषुवतीय प्रदेश। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? विषुवतीय में। रबर किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? विषुवतीय प्रदेश का। किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में जाना जाता है? विषुवतीय प्रदेश को। किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों की सर्वाधिक विविधता देखने को मिलती है? विषुवतीय प्रदेश में मिलती है। सागवान तथा सखुआ ये किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख पेड़ है? मानसूनी प्रदेश में। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है? भूमध्य सागरी। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? भूमध्य सागरी। किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश या परिश्रम का प्रदेश कहा जाता है? रीजन ऑफ एफर्ट पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट यानी रोटी का डालिया कहा जाता है? शीतोष्ण घास प्रदेश। मूल घाटी स्थित है कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहते हैं? कोल्ड डेजर्ट टुंड्रा प्रदेश को। और अब जो टॉपिक कवर किया जाएगा वो मानचित्र पर अंकित रेखाएं होंगी। समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोबात। सूर्यताप की समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहेल। समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? आइसोनेफ। मानचित्र पर बनाई गई वह रेखाएं जो कि समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं वो क्या कहलाती हैं? कंटूर कहलाती हैं। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कही जाती है? आइसोहाइट। समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएँ क्या है? आइसोपाइनिक। महासागरीय एवं सागरीय भागों में लवणता की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा इनमें से किस नाम से जानी जाती है? आइसोहेलाइन के नाम से। समान मेघ क्षमता को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोनेफ। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोगोनल। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएँ कहलाती है आइसोथर्म। आइसोबार मानचित्र पर उन स्थानों को दर्शाने के लिए खींची गई है जहां पर एक जैसा वायुमंडलीय दाब है। आइसोहेल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है समान धूप को। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है आइसोसिस्मल लाइंस। एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोब्रांड कहलाती है। अगला टॉपिक है प्रमुख भौगोलिक यंत्र। सापेक्षिक आर्द्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का। आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र द्वारा किया जाता है? साइनोमीटर द्वारा। विकिरण की तीव्रता मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एक्टिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पवन की गति किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से। भूकंपीय तरंगों का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ से। बोंगिया पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? बांग्लादेश में। कैलोरी मीटर से क्या नापा जाता है? ऊष्मा की मात्रा। मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्टोमीटर का। बादलों की दिशा एवं गति को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाई जाती है? नेफोस्कोप। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है हाइग्रोग्राफ।
सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? भूकंप के झटके के मापन में किया जाता है। रिएक्टर स्केल तीव्रता मापते हैं किसकी? भूकंप की। और इसके साथ ही आपका विश्व भूगोल से संबंधित सारे टॉपिक के सारे फैक्ट जो हमेशा पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ पे कवर होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।